इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस इंटर फर्स्ट ईयर, ऑर्थो सेंटर कैसा ऑन करते हैं समझेंगे हम अभी क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा इंशाल्लाह। सपोज एक ट्राइंगल हमारे पास, ठीक है, सपोज ट्राइंगल के वर्टिसेस ए बी सी, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, एक वर्टेक्स से दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। वैसे सपोज यहाँ से एक परपेंडिकुलर होता है इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। वैसे तीसरा भी आता है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, ये एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलेंगे हम ऑर्थो सेंटर। तो कैसा स्टार्ट करते हैं ना, पहले स्टेप में करना, सपोज एक एल्टीट्यूड है ए डी, दूसरा एल्टीट्यूड है बी ई, तो हम सपोज एल्टीट्यूड ए डी मालूम करना, इसके लिए स्टेप्स क्या है आते हैं। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ बी सी मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी अभी समझेंगे क्यों। पॉइंट्स है तो स्लोप का फॉर्मूला है तो वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ बी सी क्यों मालूम करें, अगर हम स्लोप ऑफ बी सी मालूम करिए तो बी सी के परपेंडिकुलर ए डी है, तो स्लोप का सहायता याद करना। सपोज इसका स्लोप एम है समझो, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है माइनस वन बाई एम। सपोज एक लाइन का स्लोप है थ्री बाई फोर, इसके परपेंडिकुलर और एक लाइन है तो उसका स्लोप आता उल्टा करके साइन चेंज करना माइनस फोर बाई थ्री। अगर उल्टा करके साइन चेंज कर दिए तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आता, एक लाइन का स्लोप है टू तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू। तो वैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ बी सी मालूम कर लेंगे, इसको उल्टा करके साइन चेंज कर लो स्लोप ऑफ ए डी आता। जब स्लोप और पॉइंट है तो ऑलरेडी ए हमारे पास, तो स्लोप और पॉइंट आ गया तो इक्वेशन यूज कर सकते हो वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, ये एक एल्टीट्यूड आ जाएंगे, इसको ए डी नोट कर लेंगे हम, है ना, ए डी आ गया। वैसे दूसरा एल्टीट्यूड क्या लेंगे हम, सपोज ये बी ई ले लिए, तो जैसे अभी बताया ना बी ई के लिए क्या करना, सबसे पहले स्लोप ऑफ बी ए सी मालूम कर लेंगे। जब स्लोप ऑफ ए सी मालूम कर लिए इसको उल्टा करके साइन चेंज करना तो स्लोप ऑफ बी ई आता, स्लोप ऑफ बी ई। जब स्लोप आ गया तो ऑलरेडी पहले पॉइंट बी रहता अपने पास, तो फिर सेम वैसे का एक फॉर्मूला यूज कर लेना वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू, ये आता बी ई एम इन टू एक्स माइनस एक्स, इसको नोट करेंगे हम टू। जब ये दो और एल्टीट्यूड्स को सॉल्व करें तो ऑर्थो सेंटर आएंगे, तो इसको अब हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए क्वेश्चन है बोर्ड पे, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हूज साइड्स आर। देखिए हम क्या करेंगे, साइड्स को पहले पॉइंट्स में चेंज कर लेंगे अपन। दो मेथड्स होते हैं, सिर्फ दो पॉइंट्स मार्क करके भी मार्क कर सकते हो ऑर्थो सेंटर, लेकिन मैं जो है तीन पॉइंट्स का मेथड बता रहा हूँ ताकि तीन पॉइंट्स का भी क्वेश्चन में वही मेथड यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम ये थ्री पॉइंट्स मार्क कर लेंगे ए बी सी, कैसा सॉल्व करते हैं देखिए, और ये अगर दोनों सॉल्व करें अपन ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी में कॉमन क्या है, बी है, ए बी और बी सी ये कहाँ मिल रहे हैं बी पे, तो ये सॉल्व कर तो बी आता, तो ऐसे निकाल मैं सॉल्विंग ए बी एंड बी सी, तो दोनों में कॉमन क्या है बी, तो ये सॉल्व कर तो बी आता। कैसा सॉल्व करते बताया था, मैं आता आप लोग को ये बीच के कोफिशिएंट से स्टार्ट करना माइनस सेवन से, माइनस सेवन तो इसके बाद टेन लिखना फिर फोर फिर माइनस, या मिडिल कोफिशियंट वाई की कोफिशियंट स्टार्ट करना वाई की कोफिशियंट पे खत्म करना। तो बोलिए कैसा करें हम, माइनस सेवन टेन फोर माइनस सेवन, वैसे बी सी, बी सी में क्या है पे वन माइनस फाइव वन वन, ये हो गया वन माइनस फाइव वन वन, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे दोनों के ऊपर एक्स लिखना, ये दोनों के ऊपर क्या लिखेंगे हम, क्या करें हम एक साइड को ले लिए ए बी से, ए बी सपोज, दूसरा साइड ले लिए बी सी से, सपोज ये बी सी, तीसरा साइड ले लिए ए सी, तो ये ए सी है प्लस। अब इसको ये दोनों के ऊपर एक्स लिखेंगे, ये दोनों के ऊपर वाई लिखेंगे, दोनों के ऊपर वन लिखेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई ये दो मल्टीप्लाई करो माइनस टू माइनस प्लस, सेवन फाइव जर थर्टी फाइव माइनस, फिर ये दो मल्टीप्लाई करो वन टेन जर टेन, वैसे वाई डिवाइड बाई पहले ये दो मल्टीप्लाई करना टेन वन जर टेन माइनस लिख के, फिर ये दो मल्टीप्लाई करना माइनस ट्वेंटी है ना, फिर से माइनस था तो प्लस ट्वेंटी हो जाएगा, ये वन डिवाइड बाई फोर वन सौ फोर माइनस लिख के, फिर ये दो मल्टीप्लाई करना माइनस सेवन तो माइनस माइनस प्लस सेवन। अब ये देखिए थर्टी फाइव माइनस टेन होता है ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव यहाँ पे लेके जाओ ट्वेंटी फाइव बाई फोर प्लस सेवन इलेवन, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा ट्वेंटी फाइव बाई इलेवन, वैसे वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी, थर्टी तो लेके जाओ थर्टी बाई इलेवन, तो देर फोर अपने पास आ गया ए, ए क्या आ जाएगा सॉरी बी है ना, ये बी आ गया अपने पास बी,
क्या गया 25 by 11 कॉमा 30 by 11, ये आ गया बी। वैसे हम क्या करेंगे, अब ए बी और बी सी सॉल्व कर लिए ना, अब यहाँ पे और एक सॉल्विंग बता रहा हूँ मैं आप लोग को। सॉल्विंग बी सी एंड सी ए ले लेंगे, बी सी एंड ए सी, तो दोनों में कॉमन ही क्या है सी, तो ये दो सॉल्व कर तो सी आएंगे। बी सी कैसे स्टार्ट करेंगे बताना, बी से स्टार्ट करो 1 minus 5 1 1 1 minus 5 1 1, यहाँ पे कहेंगे 4 minus 15 7 4, एक्स वाई वन एक्स डिवाइड बाई -15 -20, फिर से माइनस आना तो +20 होएंगे, वाई डिवाइड बाई -35 -15 होएंगे, -35 माइनस फिर -15 -15 होता, 1 divided by 4 1s of 4 minus 5 4 minus 7 sorry 4 minus 7 कहेंगे -3 है ना। फिर एक बार देख लीजिए इसको वेरीफाई कर लेंगे हम, कैसे आएंगे -50 -1s +20, वाई डिवाइड बाई -35 +15, तो क्या आएंगे देखिए एक्स इक्वल्स टू 20 minus 15 का था 5 5, यहाँ पे लिख जाओ 5 by -3 -5 डालो, वैसे वाई इक्वल्स टू क्या आएंगे -20 आएगा ना, -20 डालेंगे तो -20 by -3 -5 कैंसिल होता, देयरफॉर ये आ गया अपने को, अब सी आ गया 5 by 3 -5 by 3 -5 कैंसिल 20 by 3। अब क्या हो गया देखिए सी भी आ गया, अब ए बचाना तो कैसे करेंगे, अब ए के लिए कॉमन क्या है, ये दो सॉल्व कर लेंगे, ए आता सॉल्विंग क्या आएगा देखिए सॉल्विंग ए बी एंड ए सी, ए बी में क्या से आएगा -7 10 4 -7 -7 10 4 -7, और दूसरा क्या है हमारे पास ए सी है ना 4 minus 15 7 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं दोनों के ऊपर एक्स फिर वाई फिर वन, तो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई -15 7 15 105 होता -4 10 14, वाई डिवाइडेड बाई 70 7 10 70 -1 प्लस 60 होगा, ये कैसा 15 4 60 इक्वल्स टू 1 divided by 4 4 60 -1 plus 49 49 59 65 होता ना, ये इधर लेके जाओ x equals to देखो कैसे आएगा ये 105 में से 14 है तो 65 65 by 49 plus 16 65, वैसे y equals to क्या आएगा अब देखिए 70 plus 60 130, तो 130 by 65 130 by 16 plus 49 65, वन्स टूज, देयरफॉर ए भी आ गया आपने को 1, 2। अब ये पॉइंट्स लेके हम कंटिन्यू करेंगे, ए बी सी के पॉइंट्स लेके स्टार्ट करेंगे अभी अपन। अब देखिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है स्लोप ऑफ बी सी मान करना, बताए थे ना आप लोग को, इसको उल्टा करके चेंज कर दे तो स्लोप ऑफ ए डी आता, जब स्लोप ऑफ ए डी आ गया तो इक्वेशन हम ले सकते हैं पॉइंट ऑफ स्लोप यूज करके, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी एक बार लिख लेंगे हम फिर से ना, तो ए क्या है अपने को 1, 2, बी क्या है 25 by 11 30 by 11, और सी आया -5 by 3 20 by 3, तो स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी दो पॉइंट तो फॉर्मूला गया अपने पास y2 - y1 by x2 - x1, तो ये हो जाएगा y2, ये समझो ना ये x1 y1, ये x2 y2, y2 - y1 30 by 11 by x2 - x1 -5 by 3 - 25 by 11, इसको एलसीएम ले लेंगे 3 × 11 एलसीएम, 3 × 11 11 इधर गया तो क्या होता है ये 220 - 11 2 20 220 - 90 बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लो 3 × 11 इधर गया तो क्या होता है -55 - 75, ये 120 - 90 होता 130 - 55 - 170 - 130 - 1, तो इसका स्लोप आ गया -1, इसको उल्टा करके चेंज कर दे तो ए डी का स्लोप आया था, तो -1 का उल्टा 1 हुआ था, साइन चेंज कर लेते तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए डी, पहले इधर लेंगे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी आ गया -1, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए डी क्या जाएगा -1 का उल्टा 1, साइन चेंज कर लो, और ए पहले से हमारे पास 1, 2, तो स्लोप और पॉइंट मिला के अब इक्वेशन ऑफ ए डी मान कर सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ए डी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए डी
स्लोप ऑफ पॉइंट लगे फॉर्मूला क्या है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, पॉइंट समझो एक्स वन वाई वन टू इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन वन, ये वन इंटू एक्स एक्स आता है प्लस वाई डाला है तो माइनस वाई, माइनस टू डाला तो प्लस टू, टू माइनस वन वन इक्वल्स टू जीरो, इसको नोट कर लो वन ए डी। वैसे हम क्या करेंगे, अब स्लोप ऑफ बी सी है ना, एक आ गया दूसरा एल्टीट्यूड में जाना है अपने को, अब वैसे क्या करना है अपने को, ए डी आ गया ना बी ई आना है, तो जैसा बी के लिए पहले क्या करेंगे स्लोप ऑफ ए सी माउंट करेंगे, इसको उठा करके साइन चेंज किया तो स्लोप ऑफ बी आया था, कहाँ से स्टार्ट करना हम स्लोप ऑफ ए सी, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस, यहाँ से डालो ना ए सी वाई टू माइनस वाई वन ट्वेंटी बाई थ्री माइनस टू बाई माइनस फाइव बाई थ्री माइनस वन, तो ये क्या आएगा थ्री टू ज़ा सिक्स ट्वेंटी माइनस सिक्स बाई थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री बाई थ्री, ट्वेंटी माइनस सिक्स क्या हो जाएगा फोर्टीन बाई माइनस एट ना माइनस एट, माइनस टू सेवन ज़ा टू फोर ज़ा, देर फोर स्लोप ऑफ ए सी क्या आ गया माइनस सेवन बाई फोर, ये आ गया माइनस सेवन बाई फोर, इसको उठा करके साइंस के आपको फोर बाई सेवन आता है, देर फोर स्लोप ऑफ बी ई क्या आएगा एम इक्वल्स टू फोर बाई सेवन, उल्टा करके साइन चेंज कर, और पहले से बी है हमारे पास ट्वेंटी फाइव बाई इलेवन कॉमा थर्टी बाई इलेवन, तो पॉइंट और स्लोप मिला के जब से देखना स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं हम, देर फोर इक्वेशन ऑफ बी लिखेंगे अब, इक्वेशन ऑफ बी ई वाई माइनस वाई वन थर्टी बाई इलेवन इक्वल्स टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन इज ट्वेंटी फाइव बाई इलेवन, इसको सॉल्व करते हैं ना एलसीएम ले लो इलेवन इंटू वाई इलेवन वाई, इलेवन वाई माइनस थर्टी बाई इलेवन फोर बाई सेवन इंटू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो इलेवन इंटू एक्स, इलेवन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव बाई इलेवन, इलेवन इलेवन कैंसल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस सेवन जाए तो सेवन इलेवन सा सेवेंटी सेवन, सेवेंटी सेवन बाई माइनस सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी, फोर इलेवन सा फोर्टी फोर एक्स माइनस फोर्टी फिफ्टी फाइव फोर ट्वेंटी फाइव सा हंड्रेड, एक्स प्लस में ना उधर लेके चले हो फोर्टी फोर एक्स प्लस सेवेंटी सेवन उधर लेके तो माइनस सेवेंटी सेवन बाई माइनस टू टेन उधर लेके तो प्लस टू टेन, टू टेन माइनस हंड्रेड होता वन टेन इक्वल्स टू जीरो, इलेवन कॉमन ले लो इसमें से इलेवन फोर सा होता फोर एक्स, इलेवन सेवन सा सेवन बाई इलेवन टेन सा, तो दूसरा क्या है बी ई दूसरा एल्टीट्यूड ये आ गया अपने को फोर एक्स माइनस सेवन बाई प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो, अब दो एल्टीट्यूड्स हम सॉल्व करेंगे, दो एल्टीट्यूड सॉल्व करें तो क्या आएंगे ऑर्थो सेंटर आएंगे, अब दो एल्टीट्यूड एक साथ डाला मैं एक एल्टीट्यूड आ गया ए डी दूसरा एल्टीट्यूड आ गया बी ई, अब ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम सॉल्विंग, सपोज इसको वन और टू बताए समझो कैसा स्टार्ट करना, बी से ना माइनस वन 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 माइनस वन माइनस वन 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 माइनस वन, यहाँ पे आएगा माइनस सेवन टेन फोर माइनस सेवन एक्स डिवाइडेड बाई ये दो मल्टीप्लाई करो माइनस टू प्लस माइनस टेन माइनस माइनस सेवन माइनस माइनस कर देंगे प्लस सेवन, वैसे वाई डिवाइडेड बाई फोर वन सा फोर माइनस टेन वन सा टेन इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई माइनस सेवन माइनस माइनस फोर माइनस माइनस कर देंगे प्लस फोर, तो एक्स डिवाइड बाई माइनस सेवन प्लस क्या आएंगे माइनस टेन प्लस सेवन माइनस थ्री, y डिवाइड बाई फोर माइनस टेन माइनस सिक्स वन डिवाइड बाई माइनस थ्री, ये माइनस इधर लाओ तो x इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई माइनस थ्री, y इक्वल्स टू माइनस सिक्स बाई माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसिल वन जा माइनस माइनस कैंसिल टू जा, तो x कॉमा y क्या आ गया बोलिए वन कॉमा टू, तो दो एल्टीट्यूड्स क्या मिलते हैं ऑर्थो सेंटर, देर फोर ये ऑर्थो सेंटर वाला से ऑर्थो सेंटर इक्वल्स टू वन कॉमा टू, तो एक दो क्वेश्चन आप लोग ऐसा सेल्फ प्रैक्टिस करिए, तो ये क्या है ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन था, इसको एक मेथड से करा हमें और एक मेथड भी है इंशाल्लाह फिर आगे डिस्कस करेंगे उसका, फिलहाल ये इसलिए बताया मैं क्योंकि थ्री पॉइंट्स में भी अक्सर ये यूज़ करते हैं, अगर थ्री पॉइंट्स दिया तो डायरेक्ट स्टार्ट करना, अगर थ्री लाइंस दिया तो पहले सॉल्व करके पॉइंट्स फाउंड करना फिर उसके बाद सेम मेथड करना, तो भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप लोग को समझ में आया तो भाई लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूएशन करेंगे।